दो दिन की लगातार बैठक चली है, इसमें संगठनात्मक पहलुओं पर ही विशेष रूप से चर्चा की गई है। और एक तरफ से कहा जाए कि जितने भी जिलाध्यक्ष हैं या तो आपका कन्वेनर है, उसके बाद में कार्यकारी अध्यक्ष लोग हैं, इन तमाम लोगों को जो जिम्मेवारी दिया गया था, इसमें कितना तमाम चीज़ों का उसका रिव्यू किया गया, समीक्षा किया गया, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको हर हालत में 10 तारीख को पूरा करने के लिए कहा गया है। कि इस बार वो बातें नहीं आएंगी, फाटने में कितना सफल हो पाए अंदर के गिले सिकवे दूर होने की नहीं? नहीं नहीं, इस बार पूर्ण रूप से पूरा संगठनात्मक संगठन पर ही बात करना था, और कोई ऐसे जैसे गीला सिकुआ जिसके पास होगा कि तो वो क्या करेगा। पार्टी है, पार्टी का जो डायरेक्शन है, पार्टी का जो अभी विशेषकर फोकस दिया हुआ है सदस्यता अभियान पर, संगठन यहाँ का जो स्थिति है ये छिपा हुआ नहीं है, ये सभी लोग हम लोग भी महसूस करते हैं। इसीलिए हम अभी पहले संगठन को मजबूत करें, बाकी गीला सिकुआ है उसको तो बाद में ठीक कर लिया जाएगा। स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है। नहीं, जो बिल्कुल अगर कहीं कहीं पर अगर गड़बड़ है तो उसको तो ठीक करने की जरूरत है। आने वाले दिन में आपका चुनाव वगैरह होने वाला है, 2024 का चुनाव है, तो 2024 के साथ साथ असेंबली का चुनाव है, तो कहीं पर संगठन कमज़ोर है तो वहाँ पर तो काम करने की आवश्यकता है। इसलिए जिम्मेवारी अब है कि कहीं पर प्रखंड अध्यक्ष है, कहीं पर जिला अध्यक्ष है, तो उनकी जो जिम्मेवारी है, कमेटी वगैरह पूरा अगर नहीं बना है तो कमेटी भी पूरा, चाहे आपका अग्रणी संगठन का है तो केवल पेपर वर्क ना हो, पूरा फिजिकल अपीयरेंस भी हो, सारा इन तमाम चीज़ों को किया जाए। अच्छा, राज्य के वर्तमान के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई क्या? नहीं, वर्तमान जो हालात है, ये हालात पर अभी चर्चा करना क्या, जो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आपको कहा ही गया, ये जो डे वन से तो जिस तरह की बात, चूँकि भारतीय जनता पार्टी डे वन से चुनाव सरकार बनने के बाद से ही, मैं आपके देखिए कम से कम छः हफ्ता हुआ भी नहीं था, और सरकार अब जाएगी तब जाएगी, बेरमो का चुनाव का देख ले, दुमका का चुनाव के बाद में, तो ये तमाम चीज़ें चलते रहते। एक तो ये समझ लीजिए कि वो इस तरह की बात चलते रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर सीरियस हम लोग पार्टी भी इस पर नहीं है। तब है कि इन तमाम चीज़ें होते हुए भी इन चीज़ों को थोड़ा सा राजनीतिक तो थोड़ा नज़र रखना पड़ता है। अच्छा, ये आपकी पार्टी से अलग सवाल, झारखंड में जेडीयू का लगता है सांगठनिक ढांचा मजबूत है, आप क्या महसूस करते हैं जेडीयू के सांगठनिक स्थिति को आपके परिस्थिति में? अभी पहले पूर्व में अगर कुछ हुआ होता तो होता, लेकिन अभी अब ऐसा कोई नया पार्टी झारखंड में हमको जेडीयू जैसे पार्टी का कोई संभावना यहाँ पर नहीं है। देखिए, संभावना इससे नहीं कि अब जो यहाँ का जो आपका भौगोलिक देखें, चाहे यहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन देखें, हम अब जो चीज़ें हैं वो तो दिखाई देता है। इसमें हमको लगता है कि इसमें किसी तरह का जेडीयू के बारे में हमको कोई टिप्पणी करना भी उचित नहीं, लेकिन जो दिखता है पॉलिटिकल रूप से, ये हमको नहीं लगता है कि आने वाले दिन में कोई दूसरे पार्टी को यहाँ पर इस तरह का जनता अपील करेगी।